हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.9 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 कह रहा है इवेलुएट। हमें इसका वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट नंबर से दिया हुआ है आपके पास कॉस साइन इनवर्स माइनस 7/25। तो हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं, मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वह इक्वल हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। यही ना मैंने बता रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कॉस, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 7/25 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉस माइनस थीटा का हो जाता है कॉस थीटा। ये हम लोग प्रॉपर्टी क्लास 11th में ही पढ़े हैं। कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। यहाँ पे आ जाएगा कॉस साइन इनवर्स 7/25। चलिए अब इसके बाद देखो, तो यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस इनवर्स लाना होगा, तो मैं यहाँ पर एक राइट ट्रेंगल ट्रेंगल लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो आप देखो, यहाँ पर अगर मैं इसे एंगल लेके चलता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ 7 हो जाएगा और हाइपोटेनस 25 हो जाएगा। हम लोग साइन में जानते हैं ना जी, पी बाई एच होता है। तो ये आपका b कितना आ जाएगा, तो b आपका यहाँ से 24 आ जाएगा। आप निकाल के देख लेना, b इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 24 आ जाएगा। अब उतना तो आप छोटे नहीं हो जितना कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos, यहाँ पे भी लिख देंगे cos इनवर्स क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि 24/25। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कॉस कॉस इनवर्स 24/25 आया, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24/25। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना जी, कॉस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स हो जाता है ना। यहाँ एक्स किससे लाइक करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। यही ना मैंने आपको बता रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख ले, -1 to 1 के बीच में लाइक कर रहा 24/25, तो यहाँ आ जाएगा ना 24/25। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, इसके 2 नंबर पे। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। दिया हुआ है सेक ब्रैकेट के अंदर कॉट इनवर्स -5/12, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग करेगा, आर से, ठीक है। यही मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेक ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या आ जाएगा, 5/12, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं, सेक सेक पाई माइनस थीटा का। तो यहाँ पे सेक थीटा ही लिखेंगे, लेकिन ये चल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस थीटा का मतलब ये किस में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस का होता है, यहाँ सेक है तो ये माइनस में आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सेक माइनस आएगा ना, यहाँ पे देख रहा है ना, सेक पाई माइनस थीटा क्या हो जा रहा है, माइनस एक थीटा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, और क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स 5/12, ठीक है। अब देखिए बाहर है आपका सेक, तो यहाँ भी हमें सेक इनवर्स में चेंज करना होगा इसे। तो सेक इनवर्स में चेंज करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रेंगल ले लूंगा, ठीक है। समझिए यहाँ पर अगर मैं इसे एंगल लेता हूँ, तो आप कॉट में जानते हो क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये 5 आपका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका 12 हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 13 आएगा ना, ये तो आपको पता है 13 आ जाएगा। क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ सेक में कन्वर्ट करेंगे तो सेक के लिए क्या होता है, तो सेक के लिए होता है h/b, यानी कि आ जाएगा 13/5, ठीक है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सेक सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स हो जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू
एक्स बिलोंग्स टू किसे बिलोंग्स करता है, तो आर से बट माइनस वन टू वन के बीच छोड़कर, ठीक है। तो देख रहे हैं माइनस वन टू वन के बीच का ये कोई एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ सेक इनवर्स 13/5 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 13/5, और माइनस है तो माइनस रहेगा, तो माइनस का 13/5 यहाँ से आंसर आ गया। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में है कॉट सेक इनवर्स माइनस 13/5, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक प्रॉपर्टी तो पढ़े ही हैं कि सेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स करता है, एक्स बिलोंग्स करता है किससे, आर से बट माइनस वन टू वन के बीच छोड़कर, ये ना मैंने आपको बता रखा है। तो ये आपके माइनस वन से वन के बीच का छोड़कर कोई रियल नंबर है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कॉट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 13/5 हो जाएगा। अब देखो हम लोग फॉर्मूला एक और जानते हैं, एक और प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, 11 तो हम लोग जानते हैं, एक कॉट का कॉट ही हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे तो नो चेंज, और माइनस थीटा हुआ तो माइनस थीटा हुआ यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट माइनस का रहेगा, ये कॉट माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉट पाई माइनस थीटा का मैं क्या देख रहा हूँ, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, तो माइनस का कॉट और थीटा के जगह पे ये है ना आपका सेक इनवर्स 13/5। तो यहाँ अंदर देख रहे हैं सेक इनवर्स में, यहाँ कॉट है, तो इसे भी मुझे सेक इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करना होगा। चलिए तो मैं चेंज करता हूँ, कॉट यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा चेंज करेंगे तो देखते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। अब देखिए इसमें अगर आप एंगल इसे लेते हैं तो ये हाइपोटेनस आपका 13 हो जाएगा और बेस आपका 5 हो जाता है। हम लोग जानते हैं सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक में क्या होता है एच बाई बी होता है, तो ये परपेंडिकुलर आपका 12 आ जाएगा ना, निकाल के देख लेना 12 आएगा। तो कॉट इनवर्स तो क्या होता है कॉट के लिए, कॉट के लिए हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर यानी 5/12। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि कॉट कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू हो जाता है एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स करता है किससे, आर से, तो ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर है ना जी, दैट मीन्स कॉट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5/12 आपका आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू नंबर, इसमें भी क्या रहा है इवेलुएट, देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है टेन कॉस इनवर्स माइनस का 7/25 यही ना है। चलिए तो हम लोग पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है। तो यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ टेन पाई माइनस कॉस इनवर्स 7/25 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब फिर मैं एक आपको प्रॉपर्टी बता दूँ, आप लोग पढ़े हुए हो टेन पाई माइनस थीटा का, तो टेन पाई माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन माइनस का होता है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का टेन, देख लो टेन पाई माइनस थीटा का ये है तो माइनस का टेन थीटा का जो है उसको लिख देंगे कॉस इनवर्स 7/25। तो चलो अब फिर से मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रेंगल लेता हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह एंगल लेते हैं तो बेस आपका 7 हो जाएगा, देखो कॉस का क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस ये 25 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर निकालोगे तो यह परपेंडिकुलर आपका कितना आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आ जाएगा आपका 24, आप निकाल के देख लोगे रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करके। तो चलिए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस टेन यहाँ क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर पी बाई बी होता है ना यानी कि 24/7 आ जाएगा,
10 में, ठीक है। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि tan tan इनवर्स x का वैल्यू x हो जाता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 24/7, समझ गए। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है cosec cot इनवर्स माइनस का 12/5, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि cot इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ बाहर cosec है, अंदर हो जाएगा आपका पाई माइनस cot इनवर्स 12/5, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। चलिए फिर से मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, यहाँ देखो आपको पता होना चाहिए cosec पाई माइनस थीटा, साइन और cosec सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस में होता है, तो इसका cosec ही हो जाएगा। ये सब मैंने समझा रखा है 11th में आपको, और वैसे भी आप जानते होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देख रहे हैं cosec पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये है तो क्या आ जाएगा cosec थीटा, यानी कि cosec cot इनवर्स 12/5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। चलिए इस तरह से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, अगर मैं इसको एंगल लेता हूँ तो ये देखो cot में है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस आपका 12, परपेंडिकुलर आपका 5, तो हाइपोटेनस आपका 13 आ जाएगा। तो मैं चेंज करता हूँ, cosec यहाँ पे हो जाएगा cosec इनवर्स क्या आ जाएगा, cosec इनवर्स क्या होता है जी h बाई पी, यानी कि 13/5। तो अब मैं फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मुझे आपको बताना बार बार नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, cosec इनवर्स सॉरी cosec इनवर्स x इक्वल टू में होता है आपका x फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा माइनस 1 to 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर, ठीक है। चलिए ये ना होता है प्रॉपर्टी, तो इसी के अकॉर्डिंग देख लो, ये आपका माइनस 1 to 1 के बीच का कोई रियल नंबर नहीं, उससे 1 से ग्रेटर ही है ना, एक तो एक रियल नंबर है, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा 13/5 इसका वैल्यू, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में है आपका cos tan इनवर्स माइनस 3/4, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है tan इनवर्स, हम उसी पे हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स का, तो tan इनवर्स माइनस एक्स का होता है माइनस का tan इनवर्स एक्स, ठीक है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे देखो यह एक रियल नंबर है, डेट मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि cos क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अच्छा फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है कि cos माइनस थीटा का होता है प्लस का cos थीटा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, यहाँ cos ये माइनस थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा cos थीटा, यानी ये आ जाएगा cos tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब देखिए फिर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल लूंगा, ठीक है। तो मैं अगर इसे एंगल लेता हूँ तो tan में आपका p बाई बी होता है ना, तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो हाइपोटेनस आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए बाहर है cos और अंदर में भी cos में चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका बेस बाई हाइपोटेनस, यानी 4/5। तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी जो जानते हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि cos cos इनवर्स x का x हो जाता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये ना मैंने बता रखी है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/5 इसका आंसर, समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इवेल्युएट करा इसका हमें वैल्यू निकालना। देखिए यहाँ पे दिया है साइन, अच्छा मैं इसे a ले लेता हूँ, अगर इसे b ले लूँ तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि साइन a प्लस b इक्वल टू होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो हो जाएगा आपका साइन cos इनवर्स माइनस 3/5 इंटू में फिर आपका cos, देख रहा ना cos b, b की जगह पे होगा
कॉट इनवर्स माइनस 5/12, ठीक है, फिर आपका प्लस कॉस, एक ही जगह पर ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस 3/5 इंटू साइन, बी के जगह पे ये हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस 5/12, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को लगाता हूँ। तो मैंने बहुत बार आपको फॉर्मूले बता रखे हैं, प्रॉपर्टी बहुत बार बता रखा है, अब मैं यहाँ डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम बचेगा ना, मैं कितना फॉर्मूला लिखूंगा, एक ही में 10-10 प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी तो गड़बड़, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, है ना, फिर आगे भी कुछ प्रॉपर्टी यूज होंगी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का हम लोग जानते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है जब एक्स लाई करता है माइनस वन से वन तक, है ना जी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉ हो जाएगा ना, कॉस इनवर्स माइनस 3/5 है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5। यहाँ पे देखो कॉस कॉट में भी उसी तरह से पाई माइनस आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 5/12, ठीक है। चलिए और फिर इसके बाद प्लस कॉस, यहाँ पे फिर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है, इंटू साइन, और फिर आपका अंदर पाई माइनस कॉट इनवर्स 5/12, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसके बाद देखिए, साइन पाई माइनस थीटा जो होता है प्लस का साइन थीटा होता है, यानी कि साइन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 3/5, कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है, कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि इसमें माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, या फिर आप एक काम करो इसको एक ब्रैकेट में रख दो और फिर माइनस लगा दो, कॉस क्या जाएगा, कॉट इनवर्स 5/12, ठीक है, चलिए मिडिल ब्रैकेट ही देना ठीक रहेगा। चलिए अब इसके बाद देखो, यहाँ पर है आपका कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, तो कॉस क्या जाएगा, हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं प्रॉपर्टी कॉस पाई माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा होता है, ये माइनस कॉस थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स 3/5, यहाँ आ जाएगा साइन, साइन पाई माइनस थीटा की बात करेंगे, मैंने अभी आपको यूज करके दिखाया भी था, साइन थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, यहाँ साइन क्या आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स 5/12, ठीक है, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ये माइनस जो है ये बाहर में लगा देता हूँ, यहाँ पर साइन और यहाँ पे अंदर साइन में चेंज करेंगे, तो साइन इनवर्स यहाँ देखो 3/5 है ना, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ राइट एंगल ट्रेंगल, दो ले लेता हूँ, दोनों के लिए मुझे दिखाना होगा ना जी। चलिए ठीक है, यहाँ पे 3/5 है उसके लिए देखिए, अगर आप इसे एंगल लेते हो तो यह बेस 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका 5 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर आपका 4 आएगा ना, ठीक है, और 5/12 की बात करेंगे तो इसे एंगल लेते हैं, तो ये देखिए कॉट है ना, यहाँ पे भी कॉट ही है, तो आपका बेस 5 और परपेंडिकुलर आपका 12, तो हाइपोटेनस आपका 13 आ जाएगा, तो यहाँ साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं ना, इस ट्रायंगल के लिए आएंगे तो P/H यानी कि 4/5, ठीक है, ये माइनस तो मैंने यहाँ लगा दिया है, कॉस है तो अंदर मुझे कॉस में कन्वर्ट करना होगा, तो कॉस इनवर्स यहाँ पे देखिए कॉस है तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 5/13 बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो आ जाएगा यहाँ 3/5 इंटू साइन, साइन इनवर्स ये साइन है तो अंदर भी साइन में कन्वर्ट करना होगा, तो साइन में इसे कन्वर्ट कर, इस ट्रेंगल में बात करते हैं ना, तो P/H यानी कि 12/13, ठीक है। चलिए अब बस इसे हमें सिंप्लीफाई कर देना है,
तो देखो यहाँ से हो जाएगा माइनस 4/5, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 4/5 होगा, 5/13 होगा, माइनस 3/5 और इंटू में 12/13, तो यहाँ -20/65 और माइनस का 36/65, दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 56/65 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।